Hey guys shram ram welcome or welcome back to my channel and welcome to another video और अभी रात के तीन हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ सो बेयर मी विद द लाइटिंग एंड ऑल दैट मुझे अभी जो बेटर लगा मैं उसमें शूट कर रही हूँ बिकॉज बहुत टाइम से मेरे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आया लाइक इट्स बिंग मोर देन टेन डेज तो मैंने सोचा मैं फटाफट से शूट करती हूँ और इसको एडिट करूँगी और पोस्ट करूंगी एंड या विद दैट लेट्स विद द वीडियो नाउ सो आज की वीडियो होने वाली है कुर्ता सेट्स का हॉल मैं पास्ट में कर चुकी हूँ कुछ वीडियोज़ बट लेकिन करे हुए काफ़ी गैप हो गया है तो फिर मैंने सोचा मैं ले आती हूँ दोबारा से मीशो के कुर्ता सेट एवरी वन इज़ लविंग मीशो नाव अ डेज सो मैंने सोचा मैं मीशो का ही

पजामा भी है साथ में सो so इस तरीके से है एंड um, दो कुर्ती है बाकी सारे कुर्ता सेट्स हैं सो मेकिंग इट वेरी क्लियर सो सो एक एक करके स्टार्ट कर दें बट बिफोर दैट अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाएगा और अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप चेकआउट करना मत भूला अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को सो so जो सबसे पहला आइटम है ना ये मेरे लि विश लिस्ट में काफ़ी टाइम से था मैंने किसी यूट्यूबर को देखा था इसको पहने हुए और मैंने उसके बाद इसको एड टू मतलब टू काट करके बार बार विशलिस्ट करी जा रही थी बट फाइनली आई थॉट ऑफ बाइंग इट अब मैं प्राइस आपके नहीं बता पाऊंगी बिकॉज फ़ोन मेरा आगे जिसमें मैं शूट कर रही हूँ वही है सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले कुर्ता सेट से जो कि है ये कहाँ गया इसका ओके जो कि यार ये काफ़ी प्यारा लगता है पहना हुआ मैं ये काफ़ी प्यारा लगता है पहना हुआ दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक इसका प्रिंट काफ़ी सुंदर है अगर आप देख पा रहे हो वाइट ब्लू um, के ऊपर वाइट कलर का प्रिंट दे रखा है काफ़ी प्रिटी गला इसका बहुत सिंपल है एंड ये ना फ्रॉक वाले पैटर्न में लाइक जो वो सर्कल्स मतलब चोल के बाद नीचे प्लेट्स डाल के घेरा दे देते हैं ना वो वाला पैटर्न है इसका घेरा बहुत बड़ा नहीं है बट हाँ घेरा दे रखा है इसके साथ और इसके साथ दे रखा है हमें ये सिंपल सा प्लेन वाइट पजामा जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक है मतलब बहुत वर्स्ट भी नहीं है और बहुत बेस्ट भी नहीं है बट इसकी क्वालिटी अच्छी है इसकी क्वालिटी इज़ लाइक प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत सही रखी है घर में पहनने के लिए ऑफिस में पहनने के लिए और या फिर um, कॉलेज में पहनने के लिए आप आराम से इसको ट्राई आउट कर सकते हो सो आई लाइक इट आर फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन और आज मैं ना जल्दी जल्दी बताऊंगी। ठीक है दस मिनट के अंदर कोशिश करेंगे हम इस वीडियो को खत्म करने की सो आर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ब्लैक का कुर्ता सेट अब ना ये इस टाइप के क्वार सेट्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और ये बट लेकिन ये वाला कुर्ता ना हर बार मेरी फीड पे आ रहा था तो आई लाइक चल तेरे को ट्राई कर लेते हैं सबसे पहले इसके पजामे की बात करते हैं बिल्कुल प्लेन नॉर्मल पजामा पजामे में कुछ नहीं है बट पजामे की क्वालिटी जितने भी अभी जो पजामे देखोगे उनमें से सबसे सही है सो इट्स नॉट वाइड लेग इट इज़ नॉट नैरो लेग नॉर्मल जो पजामा होता वैसा है सो वी हैव द पजामा एंड देन वी हैव द कुर्ता कुर्ता काफ़ी अच्छा है मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ उससे रिलेटेड जब मैंने इसका पैकेज ओपन किया था ना इसको देखते ही आई वाज लाइक यार ये क्या उधड़ा उधड़ी सी चीज़ दे दी वो क्यों मुझे उधड़ी उधड़ी सी लगी मुझे देख के ये थोड़ा सा खटका धाकों में तो रहती क्यों वो इस वजह से अगर आप देखोगे ध्यान से ये जो फ्लावर्स है ना ये अच्छे से स्टिक नहीं है ये सिर्फ बीच में से सिले हैं और साइड से हटे हुए हैं तो मुझे लग रहा था कि यार ये तो बहुत मतलब अजीब सा दे दिया कोई दूर से देखेगा तो उसको कैसा लगेगा बट नहीं यार ये पहना हुआ ना सच में बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से इस पे इस पर फ्लार वाली लेस का काम कर रखा है और ये बहुत खिला खिला लगता है पहना हुआ बहुत सुंदर लगता है सो आने नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और इसका प्राइस देखा जाए उस हिसाब से तो ये बहुत अच्छा मिल गया है मुझे आई थिंक मैं मेरे पास अब इनफ ब्लैक हो चुके हैं मुझे ब्लैक परचेज करना बंद करना चाहिए फॉर आई थिंक टू टू थ्री ईयर्स जब जाके मेरे ब्लैक का जो स्टॉक है वो खत्म होगा एंड यू गाइज हैव आई थिंक किसी ने मुझे टोका भी था कि आप हर मतलब जो भी सेट डाउन वीडियो होते हैं उसमें या तो न्यूट्रल या फिर ब्लैक पेन के आते हो कुछ डिफरेंट कलर भी ट्राई करो सो so, करेंगे ट्राई ठीक है बट दिस इज़ आर प्रोडक्ट इसके नीचे भी पूरा लेस दिया है मतलब पूरा लेस भर दिया है इस कुर्ते में बट इतना भी नहीं भरा है कि ओवर लगे सो वी हैव दिस वन अब आ रहा हमारे set, है हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की मीन्स लास्ट कुर्ता सेट उसके बाद कुर्तियाँ हैं सो वो है ये आलिया कट ये भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा है ये वाला प्रिंट इस टाइम पे ट्रेंड में बहुत लोगों को पहने हुए देखा होगा एंड आई ऑल्सो वॉट वन फॉर मी सो इसका जो पजामा है उससे बात करते हैं पजामा की क्वालिटी इज़ फाइन नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड जैसे कि मैंने सबके बारे में बोला इसके नीचे इस तरीके की लेस दी गई है पजामे के एंडिंग में सो दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक और ये है हमारा ऑफ वाइट कलर का पजामा उसके बाद बार आते हमारे कुर्ते की आ, ये देखो अच्छा मैंने जब इसको देखा ना साइड पे आई यार वाइट कलर का आएगा वाइट कलर मेरे पे इतना अच्छा लगता बट दिस इज नॉट वाइट दिस इज ऑफ वाइट कलर और ये हल्का सा आ, क्रीम एश येलो स्टोन में है जो कि मेरे ऊपर अच्छा लगता है सो वी हैव दिस प्रिंट फ्लावर वाला प्रिंट और आप नोटिस करोगे ना आपको इसके गले पे से कढ़ाई नज़र आ रही है ये जो ये फ्लावर्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी कढ़ाई दे रखी है ये ना वो वाला काम कर रही है कि ठीक है प्लेन सूट है सब कुछ प्लेन है तो थोड़ा सा वो कहते हैं ना चेरी इन द टॉप वाला काम सो so ये कढ़ाई वो वाला काम करेगी इसका नेक का पूरा डिजाइन है और नीचे से ये पूरा आलिया कट नायरा कट क्या बोलते हैं वो दे रखा है अब जिसका कट है ना वो बहुत ऊपर नहीं है कट बिल्कुल परफेक्ट जगह पे दे रखा है कि पहनते हुए अनकंफर्टेबल ना लगे तो डेली बेसिस पे इसको पहन सकते हैं थोड़ा सा घेरा है आगे की तरफ इफ़ यू आर लिटिल बिट फैट फैट तो वो भी छुप जाएगा एंड या दिस इज़ अबाउट इट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है द कुर्ता इज़ लाइक प्लस 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 फ्रॉम माई जार बिकॉज कुर्ते की क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है आप चाहो तो आप ट्राई आउट कर सकते हो बाकी आप ट्राई आउट में देख लो ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है बट दिस इज़ अबाउट द कुर्ता अब बात रही थी हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो कि है सिंपल प्लेन कुर्ती इन रेड कलर मेरे को लगा ये मरहून होगा बिकॉज़ ये जो वेबसाइट uh, है उसके ऊपर मरून कलर दिख रहा था मरून बोलते हैं महरून बोलते हैं जो भी बोलता है वो वाला दिख रहा था तो मैंने वो सोच के ऑर्डर किया बिकॉज रेड डज नॉट लुक गुड ऑन मी एट ऑल आप देख सकते हो इट इज़ नॉट एट ऑल माई वाइब रेड मेरे ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है सो so, मैंने मरून सोच के लिया था बट लेकिन ये रेड आया है अब मैं क्या करूँ मैं सोच रख लेती हूँ बट लेट्स सी या तो इसके ऊपर इस तरीके से ये वाइट कलर का काम है और ये बिल्कुल सिंपल सी प्लेन सी कुर्ती है मुझे जिस मॉडल ने पहना था तो बहुत एलिगेंट लग रही थी पहनी हुई दैट्स वाई आर था इट इट अ ट्राई ऑल्सो इसका जो गले का डिज़ाइन है ना बिल्कुल छोटू सा नेक कट दे रखा है एंड देन बटन लगा के फिर छोटा सा यहाँ पर कट दे रखा है सो so, काफ़ी अच्छा लगता है स्लीवलेस है और नीच से थोड़ा सा नीचे आता है पहनने के बाद तो वाइट कुर्ता के साथ जींस के साथ किसी भी चीज़ के साथ पहन सकते हो काफ़ी अच्छा लगेगा बट कलर देख लेना यार इसमें आई थिंक दो कलर्स और अवेलेबल है एक ब्लैक है और एक और है तो आप देख लेना जो आपको अच्छा लगे Uh, मेरे को थोड़ा सा कलर के साथ वो हो गया इशू ऐसी ठीक है कपड़ा भी इसका ठीक है बिकॉज ये आई थिंक है टू हंड्रेड एंड थर्टी टू रुपीज़ समथिंग का बहुत चीप है उस हिसाब से तो भाई बहुत सही चीज़ मिल गई बिकॉज आज के टाइम में अगर आप कपड़ा लेके भी सिलवा रहे हो ना कपड़ा इतने का आ, आएगा ही नहीं पहली चीज़ और आ भी गया तो सिलाई इतने में नहीं पड़ेगी ठीक है आपको कपड़ा भी मिल रहा है आपको सिलाई भी मिल रही है और उसके बाद आपको एक घर पर भी डिलीवर मिल रहा है तो उस हिसाब से बहुत सही प्राइज़ है सो वी हैव दिस वन Coming to our last product of this haul is this, and this is such a masterpiece. मतलब ये पहना हुआ इतना प्या प्यारा लग रहा था इतना एलिगेंट लग रहा था कि देखते रह जाओ और ये ना आ, मतलब आप उसके साथ पहन सकते हो उसको जीन्स के साथ पेयर अप कर सकते हो या फिर वाइट प्लाजो के साथ पेयर अप कर सकते हो बहुत अच्छा लगेगा और मैं बात कर रही करी इस कुर्ती की ये कुर्ती बहुत ज़्यादा अच्छी है मेरे पास इससे सिमिलर सी है एक कुर्ती बट थोड़ा सा नेक में या पता नहीं किस में कहीं तो डिफरेंस है इसका प्रिंट बहुत अच्छा है इसका गला बहुत अच्छा है एवरी इज़ सो गुड अबाउट दिस कुर्ती सो दिस इज़ रियली रियली गुड क्वालिटी बहुत अच्छी है डिज़ाइन बहुत अच्छा है सब कुछ बहुत अच्छा है इसके स्ट्रेट सब कुछ नॉर्मल सब कुछ अच्छा थ्री फोर्थ इसकी स्लीव्स हैं कपड़ा बहुत सॉफ्ट है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक दिस इज़ फॉर टू एटी समथिंग तो काफ़ी सही है उस हिसाब से और वाइट वाइट के साथ आप वाइट प्लाजो एंड वाइट दुपट्टे के साथ इसको पेयर कर सकते हो बहुत अच्छी लगेगी सो दिस इज़ आर लास्ट पीस ऑफ दिस हॉल आप मुझे बताना आपको इन सब में से कौन सा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कुर्ता सेट्स बहुत अच्छे लगे मैं कुर्ती में थोड़ी सी मार खा गई हूँ बट मार भी उस कलर में खाई वैसे तो कुछ उसमें ऐसा इशू नहीं है बट जो कुर्ता सेट्स हैं वो तीनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आप डेफिनेटली उनको ट्राई आउट करना आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट और अब मैं आप लोगों से मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड देखनी आप लोगों को और अम, कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा कॉन्टेंट डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन और ज्यादा जदर वीडियो को शेयर करो शेयर नहीं कर सकते तो कॉमेंट कर दो दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा इफ़ यू आर व्यूइंग दिस वीडियो तो दोनों में से एक काम करके ही जाना कसम लगेगी तुम लोगों को ठीक है अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी मेरे नेक्स्ट वीडियो में सो तब तक के लिए बाय